أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله बात यहाँ पर चल रही थी कि इस आयत पाक में तीन तलाकों का मसला बयान किया गया है। आयत नंबर 230 यहाँ पर गुफ्तगू थी कि कुरान पाक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद अपने जमाने मुबारक में जो ये मसला पेश आया, किसी ने एक साथ तीन तलाकें अपनी बीवी को दे दी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर उसको नाफिस किया है, माना है। ये और बात है कि देने का तरीका गलत है। फिर आपके सामने हजरत उमर अजलानी की रिवायत बुखारी शरीफ से, अबू दाऊद शरीफ से, हजरत आयशा की रिवायत मुस्लिम शरीफ से, इसी तरीके से उबैद इब्ने महमूद इब्ने लबीद की रिवायत नसई शरीफ से और हजरत फातिमा बिनते कैस की रिवायत इब्ने माजा की और इसी तरीके से हजरत अब्बास रदी अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत अबू दाऊद शरीफ से आपके सामने पेश की गई थी। इन तमाम रिवायतों के अंदर यही था कि अल्लाह के नबी के सामने तीन तलाकों का मसला पेश आया और अल्लाह के नबी ने तीनों को तीन माना और उसको नाफिस किया। आखिरी रिवायत जो आपके सामने पेश की गई थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत थी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उसके रावी थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर बाकायदा तौर पर हजरत सहाबा का इजमा हो गया। बड़े बड़े जलीलुल कद्र साहबा मौजूद थे। हजरत उमर ने ऐलान किया कि अब सुन लो कान खोलकर, तीन अगर किसी ने लफ्ज निकाल दिया मुंह से तलाक के लिए तो तीनों को तीन नाफिस किया जाएगा। अब ये नहीं चलेगा कि साहब मेरी मुराद एक थी, इससे दिल की बात का कोई एतबार नहीं होगा, अब जबान से जो निकलेगा उसी का एतबार होगा। तमाम साहबा मौजूद थे, कोई एक रिवायत कोई नहीं पेश करता जखीरे हदीस से कि किसी सहाबी ने चूं या चरा किया हो कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने मिसाल भी दिया था आपके सामने, ऐसे नहीं कि जुरात थी, जुरात नहीं थी उनके अंदर बोलने की। एक चादर पे टोक सकते थे। उमर ने पूछा कि अगर मैं शरीयत के खिलाफ कोई फैसला करूं तो क्या करोगे। खड़ा हो गया एक शख्स, कहने का तलवार से गर्दन मार दूंगा आपकी। महर की रकम को ज्यादा मुतायन करने से रोकने के लिए ऐलान की, औरत खड़ी हो गई, आप कौन होते रोकने वाले। उमर पीछे हट गए। तो अगर ये शरीयत के खिलाफ उमर फैसला दे रहे थे कोई एक तो बोलना चाहिए, इजमा हो गया। किसी एक सहाबी का भी इसके ऊपर इख्तलाफ आपको नहीं मिलेगा। बताया ही जाता है साहब हजरत अली ने उस फैसले को नहीं माना था,
हजरत अली आप ये कहते इजमा हो गया था, हजरत अली ने तो माना नहीं था, इसको भी समझ लीजिए। असल मसला है ये गढ़ा गया है मसला, हजरत अली की तरफ निस्बत की गई है, शियों ने किया है, लेकिन हमारे लोग भी उसको दलील में पेश कर रहे हैं। मसला क्या हुआ, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली, हम्बली मसलक के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है मुश्किलुल अहादीसिल वारिदा, उसके अंदर इस मसले को नकल किया है कि इसकी हकीकत क्या, हजरत अली के जो मसले को पेश किया जाता है कि हजरत उमर के फैसले के खिलाफ थे ये, तो इजमा कहाँ हुआ। उन्हें नकल किया कि आमश ताबई है, ये फरमाते हैं कि कूफा में एक शख्स था बूढ़ा, वो लोगों से ये रिवायत बयान करता था साहब कि मैंने हजरत अली से सुनते कहते हुए अपने कानों से सुना है कि तीन एक होगी। तो आमज कहते मैं भी उसके पास गया, दरवाजा ठोका तो निकला, मैंने कहा सुना है कि आप रिवायत बयान करते, कहा हजरत आमज कहते हैं कि लोगों के पास उसके पास लोगों का ताना बंधा रहता था उस रिवायत को सुनने के लिए। मैंने कहा मुझे भी सुना दे, कहां से सुना, तो वही सुना दिया साहब हजरत अली वाली रिवायत कि मैंने अपने कानों से सुना वो तीन को एक मानते थे। कहा तुमने सुना कहां है हजरत अली से, कहा रुको मैं किताब निकाल के ले आता हूं। वो गया अंदर से अपनी कॉपी और अपनी किताब वो निकाल के लाया जिसमें उस रिवायत को लिख रखा था, तो उसके अल्फाज ये थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर उसके बाद ये था कि मैंने हजरत अली को यह फरमाते हुए सुना कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तीन या तलाक अलबत्ता दे दी तो वो तीनों नाफिज हो जाएगी और बीवी जुदा हो जाएगी। तो आमच कहते मैंने उनसे कहा वही हक तेरा नास हो, लिखा इसमें कुछ है और तू बयान कुछ करता है, तूने साहब क्या करूं, लोग मुझसे आकर कहते हैं कि यही बयान करो तुम, ऐसा मुझसे चाहते हैं लोग कि मुझसे तुम ऐसे बयान करो, क्या मतलब हुआ। अब आपको समझ में आ गया इस वाकये की हकीकत क्या है, बिल्कुल एकदम बोगस रिवायत है ये, हजरत अली की जानिब जो नज़्म मंसूब की गई कि वो तीन को एक मानते थे, गढ़ी हुई है बिल्कुल, दलील बनाने के काबिल नहीं है। तो अब इजमा अपनी जगह बरकरार रहा, कहां हजरत अली मुखालिफ हुए उसकी, समझ में आई बात। अब एक बात और समझिए, मैंने कहा था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस फैसले पर सारे सहाबा मुत्तफिक, और उस दौर से लेकर तकरीबन 700 साल तक किसी का कोई इख्तिलाफ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज दौरे हाजिर के अंदर 1400 साल के बाद लोगों ने वो जसारत की हजरत उमर पर जो जबान दरा दिया हुई, अल्लाह की पना। एक साहब लिखते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये फैसला कि उन्होंने जो तीन को तीन होने का ऐलान किया ये शरई फैसला नहीं था, फिर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, सरकारी ऑर्डिनेंस था, ये सियासी फैसला था। ये हजरत उमर के बाद से लेकर इन साहब के अलावा आज तक बड़े बड़े साहबा के बाद ताबईन का दौर आया, तबे ताबईन का दौर आया, अइम्मे अरबा का दौर आया, और जलीलुल कद्र इल्म के पहाड़ इस दुनिया में आए, किसी ने भी हजरत उमर के बारे में ये जुमला नहीं लिखा कि साहब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। 1400 साल के बाद ये तहकीक हुई, किसी ने आज तक ये जसारत नहीं की उमर की शान में। और मामला इतने पे नहीं रुका, उन्होंने इसको एक सियासी फैसला करार देने के लिए दलीलें पेश की। क्या दलील, कहेंगे साहब वो हजरत उमर ने जब ऐलान किया तो तीन को तीन माना जाएगा, तो ये भी साथ में ऐलान किया अगर कोई इसके खिलाफ करेगा तो मैं इसको सजा दूंगा, सजा दूंगा, ये जुमला बता रहा है कि साहब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, शरई हुक्म नहीं था। लेकिन जरा देखिए ये दलील किस काबिल है। दो वाकये और मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूं, हजरत उमर के जमाने में बिल्कुल ऐसे ही पेश आए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है निकाह मुता के ताल्लुक से, निकाह मुता जानते ना आप लोग,
थोड़ी मुद्दत के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए निकाह कर लेना, इसको निकाह मुता कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ दिनों की इसकी इजाजत थी, बाद में इसे मंसूख किया गया है। हजरत जाबिर ये कहते हैं कि दौरे नबवी में और फिर दौरे सिद्दीकी में और इब्तदाई हजरत उमर के दौरे खिलाफत में लोग निकाह मुता किया करते थे। बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो तलाक वाले मसले में। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि दौरे नबवी अबू बकर और उमर के दो सौरत दौरे खिलाफत के अंदर लोग तीन को एक मानते थे। बिल्कुल यही अल्फाज उसके अंदर भी हैं। फिर हजरत उमर को पता चला तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने बाकायदा ऐलान करवाया। क्या ऐलान? कि निकाह मुता मंसूख हो चुका है, अब अगर किसी के बारे में मुझे पता चल गया कि उसने निकाह मुता किया तो उसको जिना के कोड़े लगवाऊंगा, सजा दिलवाऊंगा। समझ में आई बात? क्या हुआ था? मंसूख तो हुआ था लेकिन कुछ सहाबियों के इसके मंसूखियत का इल्म नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उस मंसूखियत का बाकायदा तौर पर अपने दौर के अंदर ऐलान फरमाया और तमाम सहाबा का इजमा हो गया। किसी एक ने इख्तलाफ में आवाज नहीं उठाई कि साहब ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और वही जुमला फरमाया, अगर पता चला तो जिना के कोड़े लगवाऊंगा, सजा दूंगा। सारे दुनिया के सारे लोग, वो लोग भी जो तीन को एक कहते हैं, ये कहते हैं साहब ये फैसला तो उमर का शरई फैसला था, ये सरकारी आर्डिनेंस नहीं था, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं था, क्या था? शरई फैसला था। तो बिल्कुल यही तरीकाकार तो तलाक के अंदर भी हुआ, तो वो शरई फैसले के बजाय एग्जेक्टिव ऑर्डर कैसे हो गया? समझ रहे ना बात? बिल्कुल इसी तरीके से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में एक मसला उठा। अगर किसी ने बीवी से हमबिस्तरी की लेकिन अभी इंजाल नहीं हुआ और वो उससे पहले अलग हो गए, तो अब गुस्ल फर्ज होगा या नहीं? सहाबा इकराम में दो जमात, एक जमात ये कहती थी अल्लाह के नबी की हदीस है, इससे पता चलता है इंजाल नहीं हुआ अगर तो गुस्ल फर्ज नहीं। दूसरी जमात कहती साहब अल्लाह के नबी की हदीस, गुस्ल फर्ज हो गया, मसला बड़ा टेढ़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु बाकायदा तौर पर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना के पास तशरीफ ले गए, बताओ ये मसला क्या है? क्योंकि अंदर के मामलात तो अल्लाह के नबी के आपको पता है। हजरत आयशा ने फरमाया फअल्ला हकदा, हमने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अमल किया और हम दोनों ने गुस्ल किया। क्या मतलब? गुस्ल फर्ज होगा। हजरत उमर ने आकर ऐलान किया कि अब अगर किसी के बारे में पता ये चला कि वो बगैर इंजाल हुए अलग होता और गुस्ल नहीं करता तो उसको सजा दूंगा मैं। सारी दुनिया ये कहती है कि साहब ये ऑर्डर, ये फैसला शरई था, सियासी नहीं था, सरकारी आर्डिनेंस नहीं था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था, बिल्कुल वैसे ही तो फैसला है, तो फिर तलाक वाला कैसे सरकारी हो जाएगा? समझ रहे हैं आप? तो ये सजा वाली बात, इससे ये निकालना कि ये सियासी फैसला था, बिल्कुल गलत बात है। अब और जसारत देखिए, एक साहब ने और दो चार कदम आगे रख दिया और उन्होंने लिख दिया कि साहब हजरत उमर ने जब ये फैसला किया ना तो सिर्फ उनके गवर्नरों के अलावा किसी और ने इस फैसले को माना नहीं था। उनके इस फैसले को गवर्नरों के अलावा, उनके जिनको उन्होंने गवर्नर बना के स्टेट पर बिठाया था, उनके अलावा किसी ने नहीं माना था। अब जरा देखिए कितनी बड़ी तादाद थी उस वक्त मुसलमानों की। हम बड़े अदब से दरख्वास्त करते हैं कि सबने नहीं माना था ना, हम सबकी लिस्ट आपसे नहीं मांगते, आप 10 ऐसे लोगों की फेहरिस्त दे दीजिए कि जिन्होंने नहीं माना था इस फैसले को, 10 कयामत की सुबह तक आपको फुर्सत।
10 लोगों की फेरिस्त दे दीजिए, आप बहुत मुसलमान थे, आप 10 का नाम बता दीजिए कि जो हजरत उमर के दौर में मौजूद थे और उन्होंने उमर के इस फैसले को नहीं माना था। नहीं पेश कर सकते, हवा में गोली चलाने से काम नहीं चलेगा। फिर दूसरा जुमला देखिए, सिर्फ एक गवर्नरों ने माना था, क्या मतलब हुआ? गवर्नर कौन थे? सहाबा ही थे सब गवर्नर उस वक्त। मतलब यह हुआ कि उमर के गलत फैसले पर सारी उम्मत तो एक तरफ हो गई थी, लेकिन गवर्नर हजरात अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने मान लिया था। लगाइए इल्जाम सहाबा पर। ये बड़ी बड़ी जसारतें हैं, बिल्कुलिया सहाबा का इत्तेफाक था। ये सब दौरे फारूकी के अंदर हुआ और हजरत उमर की शान में ये गुस्साखियां हैं, सहाबा पर इल्जाम लग रहे हैं। और फिर समझ में नहीं आता कि मैंने आपके सामने जो रिवायतें कल 5-6 पेश की थी उस मजलिस के अंदर, वो तो इख्तिसार के साथ में, उन सारी रिवायतों का हासिल ये था कि अल्लाह के नबी के जमाने में खुद 3 को 3 मानकर नाफिज किया गया है। इमाम बुखारी ने 3 को 3 समझा, बाकायदा बाब बांधा, उसमें हेडिंग लगाई। नसई शरीफ हदीस की किताब है सिहाए सित्ता के अंदर बाबुर रुखसती फीदारी का बाकायदा हेडिंग लगाई कि 3 दे दिया तो 3 को माना जाएगा, और उसके तहत रिवायत पेश की ये वाली। इब्ने माजा, ये सिहाए सित्ता की किताब है, उन्होंने बाकायदा बाबू मन तल्लका सलासन फी मजलिस वाहिद, ये बाब है उस शख्स के बारे में जिसने 3 तलाकें इकट्ठी एक मजलिस में दे दी, और फिर उसके नीचे रिवायत नकल की फातिमा बिनते कैस की, उन्होंने 3 को 3 माना, समझा कि इससे 3 निकल रही है। तो अल्लाह के नबी के जमाने में तो ये फैसला क्या हो गया था? शराई बनकर उम्मत के सामने आ चुका था। फिर वो शराई फैसला हजरत उमर के जमाने में आकर सियासी कैसे बन गया? समझ रहे बात? बिल्कुल गलत है ये चीज, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मर्तबा आता है तो वो कौन है? हजरते सहाबा हैं। सहाबा इकराम के फतावे कि उनके सामने मसला पेश आया, किसी ने बीवी को 3 दे दिया, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 1000 दे दिया, तो उन्होंने क्या फैसला किया? उम्मत के अंदर सहाबा के आगे बढ़ने से पहले सहाबा बीच में आते हैं, उनके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती उम्मत की। सहाबा इकराम के फतावे में से मैंने कहा था 30-40 फतावे मेरे पास मौजूद हैं हदीस की सनद के साथ में, जिसको देखना होगा, लेकिन सिर्फ 3-4 फतावे मैं आपके सामने नकल कर रहा हूं समझने के लिए कि उन्होंने क्या फैसला किया। सबसे पहली चीज है उसके अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना। ये रिवायत मजमऊ जवायद बैहकी शरीफ और हदीस की और किताबों के अंदर है, ये दो किताबें नोट करना आप, उसके अंदर है। अन इब्ने उमरा अन्न रजुलन अता उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है कि एक शख्स हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ। फकाल इन्नी तल्लकतु इमराती अलबत्तता, मैंने अपनी बीवी को तलाक अलबत्ता दे दी है। ये लफ्ज अलबत्ता जो है ना अरबी में दो माने में यूज होता था, 1 और 3 दोनों मानों में। और वही हाइजुन, इस हालत में दिया है कि वो हैज की हालत में थी, नापाक थी। फकाल उमर असईत रब्बक, हजरत उमर ने कहा तूने अपने रब की नाफरमानी की, अल्लाह ने कहा पाकी की हालत में दे, तूने नापाकी की हालत में दिया। वफारक इमरातक, और तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई। क्या फतवा दिया? नाफरमानी किया तूने खुदा की, नापाकी की हालत में दिया और 3 दे दिया, लेकिन हो गई बीवी तेरी तुझसे जुदा। ये फतवा हजरत उमर का। हजरत उमर के बाद कौन बना खलीफा? हजरत उस्मान गनी। अन मुआविया इब्न अबी यहया قال جاء رجل الى عثمان ابن عفان, हजरत मुआविया इब्न अबी यहया ये हजरत उस्मान से नकल करते हैं कि एक शख्स हजरत उस्मान की खिदमत में आया। فقال طلقت امراتي الفا, अमीरुल मोमिनीन मैंने अपनी बीवी को 1000 तलाकें दे दी। एक, अब आप खुद सोच सकते हैं कोई 1000 तलाक देगा तो 1000 मजलिस का इंतजार करेगा? ये लफ्ज एक ही 1000 तो इस्तेमाल करेगा, अल्फन
तल्लक्तु का अल्फन जा, मैंने तुझे 1000 तलाक दी। तो हजरत उस्मान ने क्या फैसला किया, फकाल बानत मिन का भी सलास, 3 से ही वो तुझसे जुदा हो चुकी है और बकिया सब बेकार। ये फतहुल कदीर जादुल माद हदीस की किताब है, उसके अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं। हजरत उस्मान के बाद दौर आया हजरत अली का। हजरत अली की रिवायत है, अन हबीब इब्नि अबी साबित قال جاء رجل الى علي ابن ابي طالب, एक शख्स हजरत अबू ताबी अली इब्न अबी तालिब के पास आया, فقال طلقت امراتي الفا, वही जुमला कि मैंने अपनी बीवी को 1000 तलाकें दे दी। فقال له علي بانت منك بثلاث, वो तुझसे अलग हो गई 3 ही से, واقسم سائرهن على نسائك, अगर तेरी और बीवियां हो ना तो जा और को उन पर तकसीम कर दे। मतलब उसको एक तंबी फरमाई कि 3 देने की क्या जरूरत थी तुझको, ये 3 से तो 1 अलग हो गई, और हो ना तो ये जो 1000 बची ना जाए इनको भी बांट दे उनके ऊपर। क्या फैसला किया हजरत अली ने, 3 से अलग हो गई बीवी। अब देखिए और भी सहाबा इकराम है, लेकिन एक सहाबी का नाम जरूर मैं उनकी उनका फतवा नकल कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का। देखिए हजरत मुजाहिद अन इब्ने अब्बास अन्नहु सुइला अन रजुलिन तल्लका इमरातुहु मियतन, ये हजरत मुजाहिद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से नकल करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से सवाल किया गया कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 100 तलाकें देख दी हैं तो क्या हुक्म है उसके लिए। काला सही तरबक, तूने अपने रब की नाफरमानी की है, लेकिन वह बानत मिन का, तेरी बीवी तुझसे जुदा हो चुकी है। लम तत्तकिल्लाह फयजअल्लक मखरजा, तूने अल्लाह का डर अपने दिल से निकाल दिया तो अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर 1 दिया होता तो रास्ता था, 3 दे चुका है, 100 दे दिया तो 3 आ गई उसके अंदर, लिहाजा वो जुदा हो चुकी, अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। ये 4 रिवायतें अब हजरात सहाबा इकराम के फतावों में से मैंने आपके सामने नकल की है। इन सारी रिवायतों का हासिल क्या है, अगर 3 दी गई तो 3 नाफिज हो जाएगी, चाहे एक साथ दी जाए चाहे अलग अलग मजलिस के अंदर दी जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो लोग ये कहते हैं कि साहब 3 अगर एक मजलिस में किसी औरत को दी जाए तो 1 पड़ेगी और बकिया 2 नहीं पड़ेगी, क्यों? पहली बात तो ये कहते हैं दलील में कि साहब ये तरीका तलाक देने का गलत है, शरीयत ने कहा 1-1 करके दो, इन्होंने 3 दे दिया, इस गलती की बिना पर नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, गलती की बिना पर 2 नहीं पड़ेगी तो 1 क्यों पड़ गई, ये 1 भी नहीं पड़नी चाहिए, फिर 1 भी नहीं पड़नी चाहिए? नहीं, कहते 1 तो पड़ जाए, अभी तरीका गलत है तो 1 भी नहीं पड़ेगी, 1 क्यों पड़ रही है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, उम्मत के अंदर सिर्फ 2 जमातों ने इसको 1 माना, एक शियों ने और एक कुछ लोगों ने, और उनके पास दलील क्या है, प्रूफ क्या उनके पास कि ये 3-1 होगी? सिर्फ आप ये देखिए, पूरे जखीरे हदीस के अंदर, हदीस का बहुत बड़ा जखीरा है, पूरे जखीरे हदीस के अंदर सिर्फ उनके पास 2 रिवायतें ऐसी हैं जिससे वो दलील पकड़ने की कोशिश करते हैं, दलील बनती भी नहीं है, दलील पकड़ने की कोशिश की जाती है उन 2 रिवायतों से। और उन 2 रिवायतों का हासिल क्या है, उन 2 रिवायतों का मतलब क्या है, वो आपके समझ में आ जाएगा तो उनकी दलील का भी हासिल आपके समझ में आ जाएगी, दलील कितनी मजबूत है। सबसे पहली दलील जो उन्होंने अपने मौकफ के अंदर पेश की है वो है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली वही रिवायत की, कानत तलाक अला आदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाकुस सलासी वाहिदतन, कि थी तलाक अल्लाह के नबी के जमाने में और हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में और हजरत उमर के दौरे खिलाफत के 2 सालों तक थी 3 तलाक 1। बस हजरत उमर ने यह फरमाया कि लोगों ने उस मामले में जिसमें लोगों को अल्लाह ने इजाजत दे रखी थी, छूट दे रखी थी, बड़ी जल्दी करने लगे, अब मैं 3 को 3 नाफिज कर दूंगा। ये दलील है उनकी, 3 को 3 नाफिज कर दूंगा, ये वाली रिवायत उनकी दलील है। कैसे का देखो, अल्लाह के नबी के जमाने में 3-1 थी, अबू बकर के जमाने में 3-1 थी, उमर के दौरे खिलाफत में 2 साल तक 3-1 थी, हमको तो नबी का अमल देखना है ना। लेकिन मैं इस रिवायत का मतलब आपको पहले समझा कर आ चुका हूं, इसका 2 मतलब निकलता था। अगर किसी ने अपनी बीवी को कहा तुझे तलाक तुझे तलाक तुझे तलाक,
तू तलाक वाली, तलाक वाली, तलाक वाली, इसके दो मतलब निकलते थे। एक तो ये कि तीन से तीन मुराद लिया, एक ये कि बोला तो जुमला तीन लेकिन दिल में नियत थी एक की, ताकीद के लिए ये तीन मर्तबा जुमला इस्तेमाल किया। जैसे हम कहते हैं जा यहां से, जल्दी जा, अरे और जल्दी जा नहीं तो निकल जाएगा। तो ये जो तीन मर्तबा कह रहे हैं ये ताकीद के लिए, तो ताकीद के लिए बोला जाता था लेकिन मुराद होती थी लोगों की एक। हजरत उमर ने जो तीन को, जो अब तक अल्लाह के नबी के जमाने से हजरत उमर के जमाने तक ये तीन को एक वाला मसला है, ये वाला है। किसी ने कहा तुझे तलाक, तुझे तलाक, तुझे तलाक, ये वाला। अगर किसी ने एक जुमले में लफ्ज तीन इस्तेमाल किया, जा तुझे तीन तलाक, तो ये अल्लाह के नबी के जमाने में भी तीन मानी जाती थी, अबू बकर के जमाने में भी तीन मानी जाती थी और उमर के जमाने में भी तीन मानी जाती थी। लिहाजा ये रिवायत के जो अल्फाज है, इस रिवायत से आपका मतलब नहीं निकला। और फिर आगे तो देखो, हजरत उमर ने जब नाफिज कर दिया तो अब क्या रह गया। अब असल में सबसे बड़ा मसला यहां यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हो या कोई और सहाबी हो, उनका एक उसूल है अमले सहाबा हुज्जत नेस्ट, यानी सहाबी का कोई भी अमल, कोई भी फतवा हमारे लिए हुज्जत नहीं है, दलील नहीं है। जब कोई अपना मसला कैसे बनाएगा तब क्या होगा, क्या मानेगा हजरत उमर के फतवे को। लेकिन ये रिवायत जो उन्होंने पेश किया है, इस रिवायत का मतलब ही गलत है जो उन्होंने पेश किया। हम भी मानते हैं इस रिवायत को, हमने इस रिवायत को इस्तदलाल में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले। और फिर अगर वो तीन वाली आप वो मसले में लेते हैं कि साहब तीन लफ्ज के साथ दी जाती थी और एक मानी जाती थी, तो इस हदीस के जो अल्फाज हैं तकरीबन आठ किस्म की कमियां हैं इस अल्फाज के अंदर, जो उसूल हदीस का एक मसला, इल्मी मसला है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं रख रहा। आठ किस्म की खामियां हैं उस अल्फाज के अंदर, लिहाजा ये रिवायत तो इस्तदलाल बनने के काबिल नहीं रही। अब बची दूसरी रिवायत, वो भी देख लीजिए दलील में जो पेश की जाती है, वो है रिवायत हजरत रुकाना इब्ने जैद की। फरमाते हैं अन इब्ने अब्बास अन्नहु काला तल्लक रुकाना तब्नी यजीदिन ज़ौजतहु सलासन फी मजलिसिन वाहिद, कि रुकाना इब्ने यजीद ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में तीन तलाक दी। फाता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के नबी के पास आए। फकाल या रसूल अल्लाह, फिर फरमाया अल्लाह के रसूल, इन्नी तल्लक तो इमराती सुहाई माता, कि या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी सुहैमा को तलाक दे दी है। वल्लाही मा अरदतु बिही इल्ला वाहिदा, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी मुराद उससे एक ही थी खुदा की कसम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनसे सवाल किया, वल्लाही मा अरदतु इल्ला वाहिदा, फिर कसम खा के बता कि एक ही मुराद थी। कहा या रसूल अल्लाह वल्लाह मेरी मुराद एक ही थी उससे। तो अल्लाह के नबी ने उनकी बीवी को उनके हवाले कर दिया, जा। कहा देखा, अल्लाह के नबी के जमाने में हजरत यजीद इब्ने रुकाना ये आए और उन्होंने कहा मैंने एक मजलिस में तीन दी है, और अल्लाह के नबी ने बीवी को हवाले कर दिया। अगर तीन हो गई होती तो कैसे बीवी पास में जाती उनके। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, ये जो यहां पर तीन के अल्फाज हैं, ये मुसनद अहमद में तो हैं तीन के अल्फाज, लेकिन हदीस की और दूसरी किताबों के अंदर, अबू दाऊद के अंदर भी यही हदीस है, तिर्मिजी शरीफ के अंदर भी यही हदीस है, इब्ने माजा के अंदर भी यही हदीस है, उन तमाम किताबों के अंदर ये अल्फाज हैं कि हजरत रुकाना इब्ने यजीद ने अपनी बीवी को लफ्ज तीन नहीं इस्तेमाल किया था, तलाके अलबत्ता दी थी। और ये अलबत्ता के अल्फाज कौन नकल कर रहा, यजीद इब्ने रुकाना के पड़ पोते जो वहां पर मौजूद थे, उनके घर के आदमी है, वो कह रहे हैं कि तलाके अलबत्ता दी थी। और अलबत्ता में इसका भी एहतमाल था तीन मुराद ले ले, इसका भी एहतमाल था एक, इसीलिए जब हाजिर हुए तो कसम खा रहे अल्लाह के नबी, खुदा की कसम एक ही मुराद थी। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा एक ही मुराद थी। अब आप सोचिए, अगर वो तीन तीन ही मानी जाती, एक ही मानी जाती, तीन ना मानी जाती, तो अल्लाह के नबी कसम देकर पूछ क्यों रहे, बता सही सही बता कि एक मुराद थी या तीन। अल्लाह के नबी का ये कसम खिलाना इस बात की क्लियर दलील है कि अगर तीन बोले होते तो अल्लाह के नबी तीन मान लेते, वरना कसम दिलाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर कसम दिलाना इस बात की साफ दलील है कि तीन तीन होती थी, वरना कभी अल्लाह के नबी बेकार कसम नहीं दिलाते। और फिर वो तीन के अल्फाज जो जिस रिवायत के अंदर है वो रिवायत सही नहीं है, तलाके अलबत्ता वाली रिवायत सही है।
अलबत्ता के अंदर एक का भी एहतमाल होता है और तीन का भी एहतमाल होता है। पूरे जखीरे हदीस के अंदर मजबूत रिवायत अगर तीन को एक मानने वालों की है तो वो यही दो रिवायतें और इन दो रिवायतों का ये हाल है। समझ रहे हैं आप बात? लिहाजा न कुरान उनका साथ दे रहा है, न हदीस उनका साथ दे रही और न सहाबा इकराम के फतावे। अब एक बात और गौर कीजिए, ऊपर वाली भी रिवायत इनकी दलील वाली अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की और नीचे वाली रिवायत भी इनकी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का फतवा मैंने आपको क्या बतलाया? फतवा क्या बतलाया? अभी खासतौर पर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत मैंने फतवे में पेश की थी। आया कहने लगा 1000 तलाकें दे दिए, मैंने कहा तीन से जुदा हो गई। सहाबी अपने नकल करदा रिवायत के खिलाफ फतवा दे अगर, तो शरीयत का ये उसूल है, शरीयत का ये उसूल है कि सहाबी की नजर में वो अपना जो रिवायत पेश कर रहा है वो रिवायत मंसूख हो चुकी है, वरना फतवा उसके खिलाफ नहीं देता। समझ में आई बात? लिहाजा ये रिवायतें इस्तदलाल में पेश करने के काबिल नहीं है। अब एक बात और सुनिए, खाली आखिरी बात, कुरान तो इनका साथ दे नहीं रहा है। अत्तलाकु मर्रतान, तलाक दो मर्तबा है। फइन तल्लकहा फला तहिल्लुला, बस अगर फिर उसने दे दिया दो के बाद तीसरी तो अब वो उसके लिए हलाल नहीं रह गई। कुरान ने बिल्कुल साफ कर दिया, तीन और एक का कोई मजलिस और उसका कुछ अलग मसला ही नहीं रखा। एक साहब से मेरी बहस हो रही थी एक जगह इसी तलाक के मसले में, तो कहने मैंने कहा तलाक मर्रतान, तलाक दो मर्तबा है। तो कहने लगे दो मर्तबा का तर्जमा कैसे आप कर रहे हैं? मैंने कहा फिर आप कर दीजिए। तो उन्होंने तर्जमा किया अत्तलाक मर्रतान, तलाक दो मजलिसों में है। मर्रतान का तर्जमा मजलिसान से कर दिया। अब आप गौर कीजिए, यह कुरान पाक की मानवी तहरीफ है, तहरीफ है, यह तब्दीली माने के अंदर। कुरान पाक में कई जगहों पर लफ्ज मर्रतान इस्तेमाल किया, वमैया कुनुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि वतामल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैन। नबी की बीवियों के जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह फरमाता हम उनको अजर देंगे मर्रतैन। क्या तर्जमा करेंगे? डबल डबल अजर मिलेगा। अब अगर मर्रतान का तर्जमा मजलिसान करते हैं आप, मिलाइए तर्जमा, हम उनको अजर देंगे दो मजलिसों में, एक जगह अलग ले जाके देंगे फिर दूसरी जगह अलग ले जाके देंगे, यही मतलब निकालेंगे हम उसका। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से हदीस के अंदर है अल वुजू मर्रतन मर्रतन व मर्रतैनी व मर्रतैनी व सलासन व सलासन। वुजू एक एक मर्तबा भी, यानी जिसमें कोई एक एक मर्तबा धोए, मर्रतैन मर्रतैन दो दो मर्तबा धोए और सलासन सलासन तीन मर्तबा धोए। क्या मतलब निकालेंगे हम मर्रतैन का? दो मजलिसों में धोए, उधर वुजू करके उठे फिर उठने के बाद आए इधर करें नल पर, ये मजाक है, खिलवाड़ है कुरान पाक के साथ। तो बताइए ये अपने मतलब को साबित करने के लिए कुरान पाक का गलत तर्जमा, कुरान साथ दे ही नहीं रहा तो करेंगे क्या? लिहाजा एक मानने वालों के साथ ना कुरान है ना हदीस पाक है ना आसार सहाबा है। अल्लाह के नबी के जमाने से लेके पूरे जमाने खिलाफत तक, खलीफा जब तक रहे, ताबईन के दौर तक, तबे ताबईन के दौर तक, पूरे मुसलमानों के अंदर शियों को छोड़कर तीन को तीन माना जाता था। अब ये मसला पैदा हुआ कि फिर ये इख्तिलाफ हुआ कैसे, फिर ये हुआ कैसे, इसको भी समझना जरूरी है। इंशाअल्लाह वो बात कल आपके सामने रखी जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक की सही समझ नसीब फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।